तो भैया आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर की फुल की मैपिंग पांडा माउस प्रो के साथ कैसे करनी है। सारी की मैपिंग बताऊंगा, एक एक बटन की मैपिंग हम देखेंगे और बहुत ही सिंपल की मैपिंग होगी जिसमें आपको खेलने में बहुत ही आसानी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान बाय विवेक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक ज्ञान बाय विवेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में अब से आपको गिव अवेज भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, गेमिंग एक्सेसरीज जैसे कि कीबोर्ड माउस कम्बो या फिर गेमिंग कीबोर्ड, गेमिंग माउस या फिर ये ब्लूटूथ कन्वर्टर, गेमिंग कन्वर्टर और गेम पैड, ऐसी चीज़ें सारी मैं आपको गिव अवे करूँगा। आप जीतने का मौका पा सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और मेरे आने वाले वीडियोस का इंतज़ार करना है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इन गिव अवेज में कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैसे इनको जीतने का मौका पा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, अब मैंने पांडा माउस प्रो से फ्री फायर को ओपन कर लिया है और उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखे सारी की मैपिंग। उसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद आप कंट्रोल्स में कस्टम एचडीडी में जाएंगे और यहां पे आप अपना पांडा माउस प्रो यहां पे क्लिक करेंगे। तो यहां पे सारी की मैपिंग मैंने बाय डिफॉल्ट कर रखी है, तो सबसे पहले मैं इसे सारी रीसेट कर देता हूँ। अब फिर से आपको सारी की मैपिंग दिखाऊंगा कि कैसे करनी है। तो यहाँ से कंट्रोल में जाके आप रीसेट कर दें। तो यहाँ पे ये रीसेट हो गए सारी की मैपिंग। बाई डिफॉल्ट ऐसी की मैपिंग आपको फ्री फायर में देखने को मिलेगी। तो इसमें बहुत सारी की मैपिंग इधर उधर होगी, कुछ सही नहीं होगी और कुछ की मैपिंग नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल और पीसी प्रो लेवल वाली की मैपिंग आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आप जाके देखेंगे शूट मोड शॉर्टकट जो है बाय डिफॉल्ट माउस टू वाले बटन है, तो उसे आपको हटा देना है। माउस टू हम दूसरे पर्पज के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसे आपको कंट्रोल बटन से मैप कर लेना है कीबोर्ड की। आप यहाँ पे देखेंगे ये वाली कंट्रोल बटन है, ये आपकी छोटी वाली फिंगर के बिल्कुल पास में है। आप जब भी आप डब्ल्यू एस डी से आगे पीछे चल रहे हैं तो आप छोटी वाली फिंगर से आप माउस मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान की मैपिंग है ये माउस मोड के लिए। उसके बाद आप इसे क्लोज कर दें। आप यहाँ पे देखेंगे एम वाली की बाय डिफॉल्ट मैप कर रखी है मैप को ओपन और क्लोज करने के लिए, उसे आप हटा दें। यहाँ पे क्लिक करें, उसे आप कैप्स लॉक से कर दें। कैप्स लॉक भी आपके बिल्कुल पास में है डब्ल्यू एस डी के, तो आपको बहुत ही आसानी होगी मैप को ओपन और क्लोज करने में। उसके बाद डब्ल्यू एस डी वाले बटन को आप छोटे कर दें ताकि की मैपिंग करने में आसानी हो जाए और यहाँ पे आप यहाँ पे रख दें। अब आप देखेंगे टैब वाली बटन बैक पैक को ओपन और क्लोज करने के लिए कर रखी है, तो ये बहुत ही अच्छी की मैपिंग है, इसे आप रहने दें। एक्स बटन आपकी जो मेडिसिन है उसे आपको लेने के लिए है, तो ये भी ठीक ठाक की मैपिंग है। यहाँ पे आप देखेंगे ये बीच वाली की मैपिंग है, जब भी डब्ल्यू एस डी से आप आगे पीछे कर रहे हैं बीच वाली से आप एक्स दबा सकते हैं, तो बिल्कुल पास में रहेगी तो आप तुरंत ही आप हील कर सकते हैं। उसके बाद चार वाली बटन आप देखेंगे, ये बेसिकली फोर नंबर की बटन है, ये आपका ग्लू वॉल और ग्रेनेड के लिए है। तो ये सही की मैपिंग नहीं है क्योंकि काफ़ी दूर पड़ जाता है और ग्लू वॉल का बहुत ज़रूरत पड़ती है आपकी फ्री फायर में। उसके बाद आप देखेंगे बहुत ही जो पास वाली बटन है डब्ल्यू एस डी के ई वाली बटन, ई वाली बटन से आप इसे मैप कर दें, तो बिल्कुल ही आसानी से जब आप ई वाली बटन दबाएंगे तो आपका ग्लू वॉल एक्टिवेट हो जाएगा और जब आप आर वाली बटन दबाएंगे पास में ही है तो आपका गन आ जाएगी। तो बहुत ही आसान की मैपिंग है ये वाली। तो ये ई से ये वाला हो गया। उसके बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे शिफ्ट बटन जो आपका यहाँ पे कर रखी है स्कोप ओपन करने के लिए, तो आप इसे हटा दें। यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे आप माउस टू वाली बटन को यहाँ पे शिफ्ट वाली बटन से रिप्लेस कर दें, यानी कि माउस टू वाली बटन से अब आपका स्कोप होगा। ये भी बहुत ही अच्छी की मैपिंग है। उसके बाद अब आप देखें यहाँ पे जो टिल्ट वाली बटन दौड़ने भागने के लिए, काफ़ी दूर बटन है तो आपको बड़ी दिक्कत होती है दौड़ने के लिए, तो इसको आप क्लिक करके इसे आप शिफ्ट बटन से मैप कर दें, तो आप देखेंगे छोटी वाली फिंगर के पास में ही है, तो ये आप देखेंगे बिल्कुल शिफ्ट दबाएंगे तुरंत दौड़ने लगेगा, उसके बाद फिर दोबारा दबाएंगे तो रुक जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कुछ की मैपिंग यहाँ पे मिसिंग है और कुछ की मैपिंग यहाँ पे सही नहीं है। तो तीन नंबर वाली जो बटन है तीसरे वाले वेपन के लिए, दो नंबर जो बटन है दूसरे वाले वेपन के लिए, एक नंबर जो बटन है ये पहले वाले वेपन के लिए है बाय डिफॉल्ट आप, लेकिन एक नंबर को आप चेंज कर दें क्योंकि ये बहुत ही मतलब पहली वाली गन बहुत ही फ्रिक्वेंट स्विच करना पड़ता है हमको गेम में, तो आप क्यू वाली बटन से मैप कर दें। तो जब भी क्यू आपके पास ही रहेगी तो आप ये वाली फिंगर से आप क्यू दबाएंगे तुरंत आपका जैसे कि गन स्विच हो जाएगी पहली और दूसरे में, ये बहुत ही आसानी है। और उसके बाद आप देखेंगे पहला वाला जो है पहला एफ देखेंगे पहला वाला आइटम पिक करने के लिए है, जी देखेंगे दूसरा वाला आइटम पिक करने के लिए है और एच देखेंगे तीसरा वाला आइटम पिक करने के लिए। तो एच वाली आप हटा दें क्योंकि आप देखेंगे एच आपकी 100 की मैपिंग में होता भी नहीं है और काफ़ी दूर पड़ जाता है आपके नॉर्मल कीबोर्ड में, तो आप इसे टी से मैप कर दें। तो ये टी से आपका तीसरा वाला आइटम पिक करने के लिए हो गया।
तो ये आर को ऊपर सही कर दें, यहाँ पे रख दिया तो आर से आपका रिलोड करने के लिए हो गया। उसके बाद आप देखेंगे ये सारी की मैपिंग मिसिंग है, और ये की मैपिंग जी वाली लेटने के लिए ये भी सही है, और सी वाली आपकी बैठने के लिए ये भी सही है। उसके बाद आपको एक बटन लेनी है यहाँ पे यूज़ करने के लिए, तो यूज़ करने के लिए आप वी बटन यूज़ कर लें। और उसके बाद आपको एक बटन लेनी है यहाँ पे रिवाइव करने के लिए, तो रिवाइव करने के लिए वी के जो बगल में आप देखें बी बटन, तो यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से रीचेबल है वी और बी, तो आप बी बटन यूज़ कर लें। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक कैरेक्टर स्किन के लिए है, तो कैरेक्टर स्किन के लिए आप यहाँ पे बटन रखें इसे 5 नंबर से मैप कर दें, और यहाँ पे एक बटन आपका ये गन के लिए है यहाँ पे, तो इसे आप 4 बटन से मैप कर दें। तो ये सारी की मैपिंग हो गई दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका ये पहला दूसरा आइटम पिक करने के लिए है, यहाँ पे आप ब्लू और ग्रेनेड पिक करने के लिए है, तो इसे आप बाई डिफॉल्ट आप माउस से ओपन करके पिक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको और फास्ट करना है तो आप की मैपिंग भी इसकी कर सकते हैं। तो मैंने कर रखी है, मैं भी आपको बता देता हूँ कैसे करनी है। तो इसके लिए आपको एक बटन लेनी है यहाँ पे एरो में, सबसे पहले तो आपको ओपन करना होगा, तो ओपन करने के लिए अल्ट और ई आपका ये बटन हो गई। ई से बाई डिफॉल्ट आपका ग्लू ऑल मतलब जो भी आपका बाई डिफॉल्ट सिलेक्टेड है उसे आपको लेने के लिए है, और आर से आपका हटाने के लिए है। और अल्ट ई जब आप दबाएंगे तो ये आपका सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब जब सेक्शन ओपन हो जाएगा तो उसमें से कौन सा आइटम चूज करना है, तो उसके लिए भी की मैपिंग है, 3 की मैपिंग करनी होगी। पहले आइटम के लिए अल्ट ए, यहाँ पे आपका बाई डिफॉल्ट हाथ होता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे दूसरा आइटम है अल्ट एस, और तीसरा आइटम है आपका अल्ट टी। तो आप देखेंगे बहुत ही आसान की मैपिंग हो गई आपकी। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अल्ट ई, जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सेक्शन ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपका हाथ यहीं पे रहता है। तो अल्ट ए से पहला वाला आइटम, एस से दूसरा वाला आइटम, और डी से आपका तीसरा वाला आइटम पिक हो जाएगा। उसके बाद आप इसे ई से एक्टिवेट कर सकते हैं और आर से इसे हटा सकते हैं। बहुत ही सिंपल की मैपिंग है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं या फिर माउस से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी की मैपिंग आपकी हो गई जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आप एक की मैपिंग और ले सकते हैं यहाँ पे, आप इसे बेसिकली यहाँ पे आप इमोट को ओपन करने के लिए, इमोट को ओपन करने के लिए आप इसे 1 से यूज़ कर सकते हैं। तो 1 बाई डिफॉल्ट आप दबाएंगे तो आपका इमोट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप कंट्रोल दबा के कोई भी इमोट आप एक्टिवेट कर सकते हैं। उसकी की मैपिंग भी मैं आपको बताऊंगा, अभी इमोट है नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो उसकी की मैपिंग भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है। सारी की मैपिंग बहुत ही आसान की मैपिंग बताऊंगा। उसके बाद फाइनली सारी की मैपिंग के बाद आप अपनी WSD वाली बटन को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर वापस वैसे ही रख दें जैसे थी, और उसके बाद आप इसे ओके क्लिक कर दें। और चलिए मैं आपको सारी की मैपिंग गेम में करके दिखा देता हूँ कैसे काम करती है सारी की मैपिंग, कैसे आपको कौन सी फिंगर से क्या आपकी मैपिंग दबानी है और कैसे काम करना है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं गेम में। यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी की मैपिंग काम कर रहा है, शिफ्ट दबाएंगे तो आपको ये रन करने लगेगा, और यहाँ पे आप ये कंट्रोल दबाएंगे तो आपके ये माउस आ जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद वो वही आपकी जंप करने वाले बटन, यहाँ पे इसकी बैठने वाले बटन, जैसा कि हमने मैप कर रखा है सारी की मैपिंग आपको यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर आपका गेम आ गया। उसके बाद सबसे पहले आपको जैसे कि मैप ओपन करके मार्क करना होता, तो आप ये यहाँ पे कैप्स लॉक वाली बटन दबाएंगे तो आपका मैप आ जाएगा। कंट्रोल वाली बटन दबाएंगे यहाँ पे तो आपका ये माउस आ जाएगा, जहाँ पे भी आपको मार्क करना है वहाँ पे आप मार्क कर दें। यहाँ पे इजेक्ट वाली बटन है, आप इसे माउस से दबा सकते हैं, या फिर आप मैप बंद करके यहाँ पे वी से इजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इजेक्ट हो गया, और कंट्रोल वाली बटन दबा के आप दोबारा आप माउस मोड से शूट मोड में आ सकते हैं, और यहाँ पे आप नीचे कर सकते हैं। डाइव करना है तो आपके लिए बी वाली बटन है, डाइव करने के लिए आप बी वाली बटन से डाइव कर सकते हैं। यहाँ पे आप शिफ्ट वाली बटन दबाएंगे तो आपको ये रन करने लगेगा, उसके बाद वी वाली बटन से आपका ये यूज़ करने लगेगा। यहाँ पे यूज़ करके आपका ये एक्टिव हो जाएगा, वहाँ पे आप जो भी आपको लेना आप ले सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल ही सिंपल और प्रो लेवल की मैपिंग बताई। तो जो मैंने की मैपिंग बताई उस पर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अच्छे प्लेयर बन सकते हैं उस की मैपिंग पे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे जो वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।